वैसे तो सब बोलते हैं स्पेशली मम्मी बोलती हैं कि ये सारी चीजें पहले से पहले से शेयर नहीं करनी चाहिए खुद का घर खरीदना एक ड्रीम होता है है सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल गुड न्यूज जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल गया है, हम लोग एक नई स्टेप की तरफ अपने कदम जो है वो बढ़ा रहे हैं सही बात है यार मतलब एक जो बड़े इम्पोर्टेंट माइल होते हैं कुछ लाइफ में उनमें से एक ये है जैसा कि टाइटल में लिखा हुआ है तो दिस इज द नेक्स्ट थिंग जो अब करना है हमें जिसकी तरफ शुरू हो गई है कदम बढ़ने तो मैं हूँ सुरभि इंडियन गर्ल इन यूरोप और हम लोग जो हैं वो यूरोप और जर्मनी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं मेरा नाम है दीपक आज का जो वीडियो है वो ये है कि हम लोगों ने फाइनली फाइनली जो है वो जर्मनी में प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट कर दिया है इसके बारे में हम कुछ बताएंगे हमारे भी बहुत सारे डाउट्स थे बहुत सारे हमारे दिमाग में चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना कुछ दी, दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से था कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से था वो वो सारी चीज़ें जो है वो हम बताएंगे एंड कोर्स जो विजिट करने जा रहे हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे कौन सा हाउस विजिट करने जा रहे हैं उसका क्या कीमत है यहाँ पर वो बताएंगे और भी क्या क्या शेयर करने वाले हैं हम सारी चीजें एक्चुअली डिटेल में आपसे शेयर करेंगे कि हमारी क्या थाट प्रोसेस है इस जर्नी के लिए और हम क्या क्या हम चीज़ें फिल्टर कर रहे हैं क्या डिसीजंस ले रहे हैं क्या चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं जो हम बहुत टाइम से अपने दोस्तों के साथ भी बात कर रहे हैं तो वो सब चीज़ आपसे शेयर करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं डिटेल में आपको जो हाउस टूर जो हम देखने जा रहे हैं और उससे जुड़ी कुछ और डिटेल में बातें तो दीपक वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट कि जैसा कि सभी के माइंड में एक कंफ्यूजन होता है कि घर इंडिया में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए अभी के टाइम पे और घर क्योंकि हम जर्मनी में रहते हैं दोनों जर्मनी में जॉब करते हैं तो हमें यहाँ रहना चाहिए तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वॉट इज आर्ट माइंड सेट देखो एक्चुअली जितना मुझे समझ आता दो ही तरीके हैं कि घर खरीदने का एक तो प्राइमरी आपकी प्रॉपर्टी रहने के लिए है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए है तो अभी हम प्लान कर रहे थे कि हम कुछ पहले रहने के लिए देखें कुछ ऐसा तो जब हम म्यूनिक के रेट्स देखते हैं तो म्यूनिक के रेट्स बहुत हैवी है मतलब बहुत एक्सपेंसिव है मतलब मिनिमम 800, 850 के 900 के से कम कुछ है नहीं और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ चुका है फिर ये सब सोच के हमने कहा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं दोनों ऑप्शन के अगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिले जिसमें इन्वेस्ट किया जाए और वहाँ से कुछ प्रॉफिट होता है तो अच्छा है और दूसरा कुछ अगर रहने के लिए भी कुछ अच्छी रेंज में कुछ प्रॉपर्टी मिलती है तो हम वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हम आपसे भी शेयर करते चलेंगे वैसे तो सब बोलते हैं स्पेशली मम्मी बोलती हैं कि ये सारी चीज़ें पहले से पहले से शेयर नहीं करनी चाहिए बट ये हमारा एक ड्रीम है मतलब घर खुद का घर खरीदना एक ड्रीम होता है तो प्लस आप लोग जो हैं वो हमारे जर्नी में हमेशा साथ रहें आई थिंक हमारी लाइफ जो है वो एक खुली किताब है सो यू नो दैट कि व्हाट इज़ हैपनिंग तो इस जर्नी में हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे प्लस आपको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि जर्मनी के घर कैसे होते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना होता है ठीक है यहाँ पर कीमत कितनी होती है लाइक like म्यूनिक में हम या म्यूनिक के आसपास देखेंगे तो यहाँ कितने एक्सपेंसिव होते हैं या कितने प्राइस पे आपको मिलते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इस वीडियोस में ऑफ कोर्स जब हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में तो हमारा मेन मकसद यही है, है कि हम हम लोगों की जो भी लर्निंग है इस पूरी जर्नी से वो हम आपसे शेयर कर पाए तो इसी से जुड़ी हुई जो पहली चीज है वो हमने पहली अपनी प्रॉपर्टी विजिट की है जो आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाओगे वो प्रॉपर्टी एक्चुअली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी देखने के बाद एक तो वो म्यूनिक सिटी में है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही है लेकिन वो जो प्रॉपर्टी है उसका मेन पर्पज़ इन्वेस्टमेंट है कि आप उसको लेके उसको आप रेंट पे अगर देते हो ना तो जो कैलकुलेशंस की मैंने और जो हमारी जो रियल इस्टेट एजेंट थी जिससे बात की उसने जो चीज़ें एक्सप्लेन की उससे अच्छा खासा प्रॉफिट समझ आता है मुझे उस प्रॉपर्टी से तो so, कोर्स वो प्रॉपर्टी हमारा उस पर्पज से नहीं मतलब बैठ रही थी रहने के लिए खुद के हिसाब से लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी हमें लगी वो और वो प्रॉपर्टी का हमने डिटेल में वीडियो भी बनाया है सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं तो हम अभी वही डिस्कशंस पर हैं कि हम और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं और भी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं फिर हम डिसाइड करेंगे यार कि कुछ हमें अगर ऐसी मिलती है रहने वाली तो हम उसमें रहते हैं अदरवाइज हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढेंगे मैं एक चीज़ बता देती हूँ बिकॉज आप लोग सोच रहे हो गे वाई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखने गएकोर्स वो प्रॉपर्टी देख के आपको पता चलेगा तो रीजन ये है कि अब एट दिस स्टेज हम लोगों को लगने लगा है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है चाहे वो हम खुद का घर खरीदें या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी खरीदें इंडिया में या जर्मनी में दूसरी बात अगर हम यूनिक में घर देखते हैं तो वो जो घर हमें पसंद आ रहे हैं वो वन मिलियन से कम के घर अच्छे हमें नहीं लग रहे हैं या फिर बहुत छोटे छोटे घर हैं जिसमें ऑफकोर्स हम लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब जो हमारे पास ऑप्शन बचा था वो ये ऑप्शन बचा था कि हम ऐसी प्रॉपर्टी देखें जिसमें हमें रेंट्स अच्छे आए और हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकें तो इसी का पॉइंट मतलब यही माइंड सेट लेके हमने जो है वो अपना प्रॉपर्टी सर्च जो है वो स्टार्ट किया और ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर हम गए वहां पर क्या किया दीपक और हमारे इस वीडियो से आ, हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या हेल्प मिलेगी तो जो मेरे क्वेश्चन थे वो मैंने सारे उस वीडियो में जो हमारी एजेंट है उससे

मतलब उनका आंसर सबको मिल सके क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी सबकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सेम ही है हम इंडियंस हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो क्वेश्चंस भी सेम ही, ही रहते हैं तो हो सकता है उससे शायद थोड़ी बहुत परसेंट हेल्प आपको भी मिल जाए इन शॉर्ट हमने अच्छे से उनका इंटरव्यू लिया है और हमने अपने सारे क्वेश्चन उनसे पूछ लिए द थिंग इज वी हैव सीन दैट प्रॉपर्टी और उसमें आपको रेंट अराउंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यूरोज टाइप का मिलेगा uh, तो विच इज़ अ वेरी गुड डील इन म्यूनिक लाइक म्यूनिक में ही है वो प्रॉपर्टी तो वो आपको हम बता देंगे उस प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा ऑफकोर्स बट ऑफकोर्स अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं प्लस एजेंट जो है उसके बहुत सारे इंडियन कंज्यूमर हैं इंडियन कस्टमर्स हैं तो उसे पता है कि इंडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि उसे एग्जैक्टली exactly पता है कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या होती है और फिर हमने उसे बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल है हमारा इंस्टाग्राम पेज mm. है तो शी इज़ वेरी नाइस टू अस और उसने ये बोला है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है अगर आ, हम लोग जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं उसमें से अगर आपको कोई अच्छी होती है लगती है और अगर आप हमारे रेफरेंस से जाते हो तो वो वन ईयर का मेंटेनेंस जो है वो आपको फ्री देगी तो अगर आप उसके थ्रू कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो आप हमें मैंशन कर सकते हो एंड यू विल गेट वन ईयर मेंटेनेंस एंड आप उससे अच्छे से नेगोशिएट भी कर सकते हो यू विल गेट अ बेस्ट प्राइस वो तो मैं गारंटी लेती हूँ बिकॉज बिकॉज वो एजेंट बहुत ही सही लगी हम दोनों को तो एंड ऑफ द डे मतलब हम इस तरह की प्रॉपर्टीज़ और अब बहुत सीरियसली देखना शुरू कर दिया है हमने तो ये पहली प्रॉपर्टी है ऐसी हम और देखना शुरू करेंगे हर तरह की ये हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है कुछ हम प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं जो इनकी लिस्ट है हमारे पास कुछ नेक्स्ट कमिंग वीक्स में जो रेजिडेंशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम खुद के लिए रहने के लिए प्लान कर रहे हैं वो सब देखेंगे म्यूनिक के अंदर म्यूनिक से थोड़ा बाहर जहाँ जहाँ रह सकते हैं क्या क्या बेस्ट प्राइस कहाँ मिल सकती है वो सब चीज़ें पता करेंगे और आपसे हर चीज़ शेयर करते रहेंगे हो सकता है उनमें से कुछ चीज़ आपको पसंद आ जाए आपकी हेल्प हो जाए yeah. आप लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म और मैं डाल देती हूँ इफ़ यू हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट तो आप उसमें लिख सकते हो बाकी आप तो वो एजेंट का नंबर और बाकी डिटेल्स मैं डाल दूंगी इफ यू वॉन्ट टू सी दैट बाकी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड थे बड़ी तैयार वैयार होकर हम गए थे अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखने के लिए लेट्स सी दैट नेक्स्ट वीडियो में वो कैसा होता है बस और बहुत ज़्यादा खुश हो के ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय